हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर चैनल कॉन्सेप्ट मेनिया, और स्वागत है आपकी इस छोटी सी जर्नी आर यू जीनियस, जिसमें हमने दिया था आपको चैलेंज नंबर वन. ओके, इन दिस चैलेंज नंबर वन द क्वेश्चन इज एक्स अपॉन वाई व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एक्स वाई. इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू इन दिस जर्नी और भी लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको फेस करना है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. ओके, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ द सेम प्रॉब्लम, चैलेंज नंबर वन. Many of you have given the answer in the chat box. I am really happy to see that you all are interested in this small journey. Okay? मैं उनका नाम लास्ट में आप लोगों को जरूर शेयर करूँगा. और वो लोग जिनका आंसर नहीं आया है, डोंट वरी, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग चैलेंजेस. और जिनका आंसर आ चुका है वो भी रेडी रहें आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए. पहले देखते हैं चैलेंज नंबर वन का क्या करेक्ट सोल्यूशन है और कितने मेथड से हम इसको कर सकते हैं. मोस्ट प्रोबली लेट अस डिस्कस विद मैथड नंबर वन. What is method number one? Method one, it the basic method. कैसे start करना है, हमें find करना है x upon y. Our target is to find x upon y. What is the value of x upon y? And given is x square plus 6y square is equal to 5xy. जो पहला method है वो है divide the whole equation by xy. So what will happen if we divide the whole equation by? Divide the given equation by xy. Why we are doing this? क्योंकि हम इसको एक standard form में, एक general form में arrange करना चाहते हैं. Let us see what will happen if we'll divide the given equation by xy. So x square upon xy, हम सारे term को divide करेंगे, plus 6y square upon xy and is equal to 5xy upon xy. ये तो x यहाँ से cancel, बचा क्या x upon y, plus 1y will cancel out from here. So 6 into y by x, can we write like this, लिख सकते हैं, and is equal to xy cancel, that is y 5. हमें find करना है x upon y, जो को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें मिल गया है y upon x, that is creating problem for us. तो क्या करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा. क्या एज्यूम करना पड़ेगा, इसमें जो x अपॉन वाई है ना, इसको कोई वेरिएबल कंटेन करना पड़ेगा. सो लेट x अपॉन वाई टेकन एज m, मान लेते हैं. जहाँ जहाँ x अपॉन वाई वहाँ m रख देंगे. तो सर बताइए y अपॉन x के प्लेस में क्या रखेंगे. अरे भाई सिंपल है, अगर x अपॉन वाई की वैल्यू m अपॉन वन है, तो y अपॉन x की वैल्यू तो सिंपल है ना, वन अपॉन m होगी. सिंपल, ओके. सो एट द प्लेस ऑफ y upon x will put 1 upon m. Put now in the given equation, x upon y के place पे लिख दे m, plus 6 into y upon x के place पे लिख दिया 1 upon m is equal to 5. इसको हम solve करते हैं. फॉर द सॉल्विंग हम यहाँ LCM ले लेते हैं. m divides 1, okay, divide by 1 gives m into m square, plus m divided by m gives 1 multiplied by 6 and is equal to 5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m square plus 6 is equal to 5m. इसको लेके आइए इसके जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि क्वाड्रेटिक दिख रहा है. इसको हाईएस्ट पावर टू लोवेस्ट पावर में अरेंज करिए. और ये जो क्वाड्रेटिक है ना, दिस इज द क्वाड्रेटिक इन m. तो m का हाईएस्ट पावर लगाइए, दैट इज m स्क्वायर. इससे एक लोवेस्ट पावर कौन सा है, ये है. लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट. सो दिस विल बी माइनस 5m एंड वन टर्म ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज प्लस 6. राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ नहीं बचा, दैट इज 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इन m. इसको भी सॉल्व करने के दो अलग अलग मेथड हैं. आप एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं और एक श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी करते हैं. पहले तो मेथड नंबर वन डिस्कस करते हैं. और ये बिकॉज दिस स्मॉल नंबर्स आर हियर, सो इट इज ईजी टू फाइंड आउट द करेक्ट पेयर ऑफ नंबर्स टू स्प्लिट द मिडिल टर्म. क्या रूल होता है, जो भी नंबर कोफिशियंट होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आउटपुट आता है मल्टीप्लाई करने पे आउटपुट कितना आया, 6 आए. इसको दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करो कि प्लस करने पे माइनस 5 आना चाहिए. मतलब आपका दोनों नंबर, या तो दोनों पॉजिटिव होगा तब प्लस 6 आ सकता है, या तो दोनों निगेटिव होगा तब प्लस 6 आ सकता है ना. लेकिन रिक्वायर्ड हमें क्या चाहिए, निगेटिव नंबर. तो ये तो श्योर है, जो भी नंबर रहेगा दोनों निगेटिव रहेगा. वन थिंग इज क्लियर, ओके. वन नंबर इज 3, सेकेंड इज 2. यस ऑब्वियसली माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6, माइनस 3 एंड माइनस 2 माइनस 5. सो दिस इज आवर करेक्ट रिक्वायर्ड पेयर टू स्प्लिट द मिडिल टर्म. तो m स्क्वायर माइनस 5m को लिख सकते हैं ना, माइनस 3m एंड माइनस 2m.
प्लस सिक्स इजकल टू जीरो. मेनी ऑफ यू नो दैट हाउ टू टेक द कॉमन पेयर वाइज कॉमन करते हैं. इन दोनों में कॉमन हम अगर m करेंगे व्हाट विल हैपन, m माइनस थ्री. द सेम टर्म रिक्वायर्ड इन द सेकेंड पेयर आल्सो. तो हमें m चाहिए पॉजिटिव में और ये 3 चाहिए निगेटिव में, लेकिन यहाँ उल्टा है. m का टर्म कंटेन किया है निगेटिव साइन और ये जो है ये पॉजिटिव साइन. तो पहले तो माइनस कॉमन कर लो, उसके बाद कर लो कॉमन 2. तो आएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. होल कॉमन m माइनस 3, व्हाट इज लेफ्ट विद अस, दैट इज m माइनस 2, ओके इक्वल टू 0. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिविंग द रिजल्ट एट 0, सो इट इज श्योर दैट एनी वन ऑफ देम विल बी 0. इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे कैरी ऑन करेंगे और यहाँ करते हैं कि अगर m माइनस 3 जीरो होगा तो क्या होगा, तो m इज इक्वल टू 3 होगा, या m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो m इज इक्वल टू 2 होगा. सो दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m. लेकिन m क्या है, m तो हमने वही एज्यूम किया था, m तो हमारा x अपन y है ना. सो कैन वी से दैट देर आर टू पॉसिबल आंसर्स फॉर दिस गिवन इक्वेशन. ओके व्हाट इज दैट आंसर वन, इफ यू टेकिंग m एज 3, m को 3 लेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन y इज इक्वल टू 3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन y इज इक्वल टू 3/1. ये हो गया आपका पॉसिबल आंसर. नेक्स्ट इफ यू आर टेकिंग m इज इक्वल टू 2, तब क्या आएगा, m तो हमने कंसिडर किया ना x अपॉन y की वैल्यू 2 आ गई, या फिर हम बोल सकते हैं x अपॉन y इज इक्वल टू 2/1. अगर रेशियो में आंसर पूछेगा कि बताइए x इज टू y कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 2:1. और अगर x अपॉन y की यूनिक वैल्यू पूछेगा तो दो आंसर्स पॉसिबल है. अगर रेशियो पूछेगा तो 3:1 और 2:1 पॉसिबल है. और आपका अगर यूनिक आंसर पूछेगा तो x by y की यूनिक वैल्यू 3 है और x by y की वैल्यू 2 है. ओके होप सो दिस ऑल पॉइंट्स आर क्लियर. डन, लेट अस क्विकली मूव ऑन दी मेथड नंबर 2. होप सो यू हैव अंडरस्टूड एवरी पॉइंट आफ्टर अप्लाइंग दी मेथड फर्स्ट. विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मेथड नंबर 2. ओके मेथड सेकेंड, वी आर गोइंग टू पिक द सेम इक्वेशन. व्हाट इज दैट, एक्स स्क्वायर प्लस 6y² इज इक्वल टू 5xy. नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड द इक्वेशन बाई y² हम किसे डिवाइड कर रहे हैं, y² से डिवाइड कर रहे हैं. चलिए देखते हैं क्या होता है. x² / y² डोंट फॉरगेट टू डिवाइड ईच टर्म बाई द गिवन नंबर. ओके प्लस 6y² / y² इज इक्वल टू 5xy / y². डन, इसको हम लिख सकते हैं x / y² बिल्कुल आसानी से. क्यों अभी बता देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि a^m / b^m है ना, जिसको हम लिख सकते हैं a/b (whole power m). ओके सो दिस इज द एक्सपोनेंट रूल, आपको पता है उसी फॉर्म को हमने यहाँ कंटिन्यू किया है. प्लस 6 ये तो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा. आप 1 लिखो मत लिखो, 6 × 1 = 6 होता ही, इतना तो मैं जानते हैं आप लोग. दिस इज y कैंसिल आउट एंड 5 (x/y). सो इजीली वी कैन कंसीडर द वैल्यू ऑफ x / y एज एनी अनदर वेरिएबल. ओके वेरिएबल हम कंसिडर कर लीजिए, तो x / y को हम वापस वही m मान लेते हैं. और जहाँ जहाँ xy y है, यहाँ कहीं भी हमें y/x नहीं मिला है ना, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है. x / y की वैल्यू आपने m रखनी है, जहाँ जहाँ x / y दिख रहा है वहाँ m रख दीजिए. सो x / y इज हियर, सो वी कैन इजिली पुट द वैल्यू ऑफ x / y एज m. सो इट विल बी m² प्लस 6 = 5 m. श्योर, इसको भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, मतलब हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में अरेंज करेंगे. तो m² ये हो गया -5m, बिकॉज वी हैव कॉल दिस राइट हैंड फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड प्लस 6 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. होप सो कि आपको सेम इक्वेशन मिला है. बिल्कुल जी हाँ, सेम इक्वेशन मिला हुआ यहाँ पे. नाउ आई एम गोइंग टू द सेम इक्वेशन विद अनदर मेथड दैट इज पॉपुलरली नोन एज पॉपुलर है किस नाम से, श्रीधराचार्य फॉर्मूला टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है (ax² + bx + c) = 0 के फॉर्म का, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो उस केस में जो x की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो होती हैं इस पे डिपेंडेंट, किस पे, -b ± √(b² - 4ac)/2a. क्लियर, जहाँ पे a b c जो है वो रिस्पेक्टिवली है क्या, a जो है ना वो x² का कोफिशियंट होता है,
जो बी है वो एक्स का कोफिशियंट होता है ना, उससे एक कम पावर वाले का कोफिशियंट होता है, जो बचा हुआ होता है ना वो सी होता है। अदर देन द टर्म्स कंटेनिंग एक्स स्क्वायर एंड एक्स, जो भी हमारे पास बचता है वो सी होता है। तो अब ये तो इस इक्वेशन के लिए था, इसके अकॉर्डिंग ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ एम स्क्वायर कोफिशियंट 1 है, तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज़ वॉट 1, एंड ऑल्सो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ बी इज 1 पावर लेस देन द हाइयर। तो हाइयर से एक पावर लेस कौन है, एम है, एम का कोफिशियंट -5, सो वैल्यू ऑफ बी इज -5 एंड वैल्यू ऑफ सी इज वॉट 6, तो +6 विद द साइन लिखना है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, विथ द साइन। ये हम x के लिए फाइंड करते थे, तो यहाँ हम m के लिए फाइंड करेंगे। वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज दिस इक्वेशन इज नोन एज द पॉलिनोमियल, सॉरी इट इज़ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, और यहाँ हम बोलेंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। तो m के लिए जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है -b। अब -b क्या, माइनस लगा दिया अपने, ये -b की वैल्यू तो ऑलरेडी -5 है, प्लस माइनस रूट ओवर है ना, रूट ओवर बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव ही आएगा, -4 इंटू ए, ए तो 1 है, सी कितना है आपका 6 है, जस्ट मैच ऑल दी वैल्यूज, ये मार्जिन है, इसको कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, अपॉन 2 इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए इज़ वॉट, दैट इज़ 1। सिंप्लीफाई फॉर द एम इज इक्वल टू, दिस इज प्लस माइनस रूट ओवर 25 एंड 4 सीज़ है 24, 25 माइनस 24 रूट ओवर 1, इतना मैथ्स आना चाहिए आपको, और 5 प्लस माइनस रूट ओवर 1 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ 2, यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है ना, वंस वी विल टेक प्लस वन विल टेक माइनस, व्हाट विल हैपन इफ यू टेकिंग प्लस, सो इट विल बी 5 प्लस 1 बाई 2, दैट इज 5 प्लस 1 6 बाई 2, 6 बाई 2 मीन्स 3, वही आंसर आ गया, आंसर नंबर 1, 3 बाई 1, या 3 बाई 1 बोलिए या फिर 3 बोलिए, ये किसकी वैल्यू है, एक्चुअली ये m की वैल्यू, और m ही क्या है, x बाई वाई है कि नहीं, देखिए m ही तो x बाई वाई है, तो वैल्यू ऑफ m इज इन द फॉर्म ऑफ x बाई वाई, दैट इज 3 बाई 1 और 3। अगर निगेटिव लेंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ पे एक बार माइनस लेना पड़ेगा, तो 5 माइनस 1 बाई 2, 5 माइनस 1 4 होता है, 4 बाई 2 की वैल्यू 2 होती है, तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 2। ओके, तो दोनों आंसर्स हम लोगों ने चेक कर लिए हैं, दीज टू आंसर आर करेक्ट एंड दीज आर द टू पॉसिबल आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x बाई वाई having two different values, एक तो 3 होगा और एक 2 होगा। many of you have given the answers, I am really happy to see you, इस हमारे छोटी सी फैमिली में आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को लेकर के, और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, आपको कुछ भी लगा आज हमने मैथ्स में सीखा है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके, इट विल यू नो मोटिवेट अस टू चैलेंज मोर एंड मोर टू फर्दर कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट स्टेज, ओके, सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चैलेंज 1 का ये रहा सोल्यूशन दोनों मेथड के साथ, वो बच्चे जिन लोगों ने आंसर दिया या वो यूज़र्स जिन्होंने हमारी छोटी सी फैमिली में पार्टिसिपेट किया है, व्हाट आर द नेम्स, मैं नेम उनके आईडी के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, सुनील कुमार चक्रवाल, विठ्ठल लस्तोगी, जय पांडे, गौरव पांडे, जानवी सिंह, मैथ मैजिक विथ एनवी सर एंड काव्या सागर, ये यूज़र्स हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, और द इज यूजर्स हु हैज़ नॉट गिवन हु नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, बी रेडी, डोंट बी यू नो मॉरल डाउन, अब मत करिए, अगले चैलेंज के लिए रेडी रहेगा, और वो लोग जिन्होंने आंसर दिया है अब उनका स्टेज और जो मॉडल है ना, जो आपका चैलेंजिंग प्रोसेस है वो इंक्रीज होने वाला है, ठीक है, तो आपको अगले स्टेप पर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ और अलग टॉपिक से मिल सकते हैं, ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द टूडेज सोल्यूशन, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।